असलम व्यवर्स आज हम सीखने वाले हैं डी एच टी ट्वेंटी टू टम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर के बारे में चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सर्कट डायग्राम है इसके बाद सिमुलेशन की फाइल है इसके बाद अडीनो का कोड है तो सिमुलेशन की फ़ाइल को अपने प्रोटियस एट पॉइंट ट्वेल्व पर ओपन कर लेना है कोड सर्कट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अडीनो योनो यूज़ किया हुआ है इसके बाद टेम्पेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए हमने डी एच टी ट्वेंटी टू सेंसर यूज़ किया हुआ है इसके बाद सिक्सटीन क्रॉस टू की एल सी डी यूज़ की हुई है तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए एडिनो का कोड ओपन करके एक्सफल जनरेट कर लेते हैं ये हमारा कोड है इसको अपने एडिनो आई डी भी ओपन कर लेना है ये हमारा कोड है कोड में कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमने यूज़ नहीं की हुई है तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से अपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है डीनो यूनो बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड को कंपाइल करना है डन कंपाइलिंग कोड मारा कंपाइल हो गया हुआ है तो यहाँ से अपने एक्सवेल का एड्रेस कॉपी कर लेना है अगर आपको एक्सवेल का एड्रेस यहाँ पे नीचे शो नहीं होता है तो आपने अडीनो आईडी की फाइल्स में जाना है वहाँ से अपने प्रेफरेंसेस में जाना है और वहाँ से अपने कंपाइलेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद कोड को दोबारा से कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर एक्सवेल का एड्रेस आपको शो हो जाएगा तो ये एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद इसको अपने सिमुलेशन में इंक्लूड कर लेना है यहाँ से आपने फाइल को रन कर लेना है तो जैसे ही फाइल रन होती है फर्स्ट मैसेज एल सी डी पर डिस्प्ले हो जाता है टू थाउजेंड मिली सेकेंड डे के लिए इसके बाद जीरो करैक्टर पर हमने टम्परेचर की वैल्यू शो की हुई है और नाइन करैक्टर पर हमने ह्यूमिडिटी की वैल्यू शो की हुई है तो यहाँ पर हमने खुद से फाउंड जनरेट किया हुआ है तो इस वैल्यू को हम यहाँ से सेंसर से, से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं तो जैसे कि हम अभी ह्यूमिडिटी की वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो एलसीडी पे ये अपडेट होती जा रही है इसी तरह ही अगर इस वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे तो एल सी डी पे थाउजेंड मिली सेकेंड के डिफरेंस से वैल्यू अपडेट होती जाएगी इसी तरह ही यहाँ से अगर हम टेम्परेचर पे शिफ्ट होते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करके टेस्ट कर लेंगे ये थी सिमुलेशन चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का और भी दे देता हूँ ये हमारी सर्किट डायग्राम है इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए नाइन की बैटरी यूज़ की हुई है इसके बाद अडीनो यूनो यूज़ किया हुआ है इसके बाद डी एच टी ट्वेंटी टू अमिडिटी एंड टम्परेचर सेंसर यूज़ किया हुआ है जो कि एडीनों की ए ज़ीरो पिन के साथ अटैच है इसके बाद सिक्सटीन क्रॉस टू की एल सी डी यूज़ की हुई है एल सी डी की कंट्रास्ट सेटिंग की पिन पे टेन के की पोटेंशियम यूज़ की हुई है एलसीडी की बैक की पिनें होती हैं फिफ्टीन और सिक्सटीन फिफ्टीन अनोड होती है सिक्सटीन कथोड़ होती है कथोड़ को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और अनोड़ पे पॉजिटिव से अनोडम के रिसेंट सीरीज में यूज की हुई है तो ये थी हमारी सर्कट डायग्राम चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं वेलकम बैक चलिए अब आपको कोड का और दे देता हूँ यह हमारा कोड है इसमें सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी यूज़ की हुई है एलसीडी के लिए इसके बाद एलसीडी के लिए पिन नीचलाइस की हुई है टू से सेवन इसके बाद डी एस ट्वेंटी टू सेंसर की पिन नीचलाइस की हुई है ए जीरो इसके बाद टम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वेरिएबल नलायस की हुई है इसके बाद हमने फाउंड जनरेट किया हुआ है उसके लिए अरे जनरेट की हुई है इसके बाद अवार्ड सेटअप है अवाइट सेटअप में सबसे पहले हमने एल के ऊपर फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है टू थाउजेंड डिले के लिए इसके बाद अरे हम कॉल कर रहे हैं उनको नंबर एड्रेस दे रहे हैं जैसे कि हमने एट अरे यूज़ की हुई है फाउंड डिस्प्ले करने के लिए इसके बाद अवॉइड डोम में चले जाते हैं तो यहाँ से हम गेट डाटा का फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं तो वहाँ से हम डी सेंसर से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वैल्यू गेट कर रहे होते हैं इसके बाद गेट टेम्परेचर और गेट ह्यूमिडिटी के फंक्शन के अंदर से हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू अलग अलग अपडेट कर रहे होते हैं इसके बाद एल के ज़ीरो करेक्टर पर हमने टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है इसके बाद नाइन करेक्टर पे हमने ह्यूमिडिटी की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है इसके बाद थाउजेंड मिली सेकंड है थाउजेंड मिली सेकंड लूप हमारा रन होता रहता है इसी तरह ही नीचे गेट टेम्परेचर का फंक्शन है गेट ह्यूमिडिटी का फंक्शन है और गेट डाटे का फंक्शन है तो यहां से हम डी एच डी सेंसर की पिन पे, पे पहले पल्स भेजते हैं इसके बाद जो डाटा उसे गेट होता है उसको तो हम ओमिडिटी और टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसके बाद एल सी डी के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हमने जो फाउंड जनरेट किया हुआ है तो हर करेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए जो जो अरे कॉल करवानी होती है प्रिंट नंबर के फंक्शन के अंदर से कॉल करवा रहे होते हैं तो ये हमारा कोड है चलिए अब इसको डिनो में अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ से अपने टोल्स में जाना है टोल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है डिनो यूनो बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है डन अपलोडिंग कोड मारा अपलोड हो गया हुआ है अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी राय समय कमेंट्स में जरूर आगा करें और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहें चलिए अब आपको हार्डवेयर का और भी दे देता हूँ